नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे जात के बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौजूआत पर। कश्मीर के उभरते मुसव्विरा शाफिया शफी के साथ एक मुलाकात। पुलवामा में खेल के बुनियादी ढांचे को वसत देने का मंसूबा। राजौरी में नए मेडिकल कॉलेज का तामीरी काम दोबारा शुरू। मैनेजमेंट तुलबा के लिए ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की सहूलियत। पहली बार कठुआ जिले में धान की बवाई के लिए डीएसआर कल्चर मुतारक। तारीख के एतबार से मुसव्विरी नहायत ही आला मकाम रखती है। यह न सिर्फ सकाफती, समाजी और मजहबी हालात की अकासी करती है बल्कि इससे मुआशी उतार चढ़ाव के असरात का भी बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कश्मीर के उभरती मुसव्विरा शाफिया शफी ने फन मुसव्विरी से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। देखिए यह खास रिपोर्ट। अक्वाम की तहजीब और तमद्दुन परखने में भी मुसव्विरी अहम किरदार अदा करती है। बड़े वसूक के साथ कहा जा सकता है कि मुसव्विरी एक तस्वीरी ज़बां भी है जो हर दौर में बोली जाती रही है। ज़माने कदीम से अब तक थोड़े बहुत फर्क के साथ इसके मकासिद में यकसानियत पाई जाती है। कश्मीर की उभरती हुई मुसव्विरा शाफिया शफी ने फन मुसव्विरी से अपनी एक अलग शनाख्त बनाई है। बचपन से ही शाफिया को मुसव्विरी की तरफ झुकाव रहा है। पेंटिंग का मुझे बचपन में ही था एक इंक्लिनेशन पेंटिंग की तरफ तो, लेकिन जब स्कूल का वो प्रेशर पड़ता है तो ये सब चीज़ें इंसान थोड़ा सा भूल जाता है। फिर जब मैं कॉलेज लेवल पे आई तो ये वापस थोड़ा रिवाइव होने लगा। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है, मेरी जो स्कूल की आर्ट टीचर है वो मेरे पीछे डंडे लेके होती थी क्योंकि मैं कभी अपना काम नहीं करती थी। सो लेकिन जब फिर कॉलेज लेवल पे मैं आई तो मैंने थोड़े कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना स्टार्ट किया, तो उसमें जब वो मुझे सक्सेस मिला तो मेरे लिए वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन गया, तो मैं पेंट करने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया। सो बेसिकली है शौक वहीं से आया। कुदरत ने इंसान में बेपनाह जवाहिर समोहे हैं जिसमें जौहर तख्लीक खास है। इंसान को इस अजीम तोहफे की बदौलत ही फनून लतीफा में दिलचस्पी पैदा होती है। कश्मीर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल कर चुकी शाफिया शफी का फन मुसव्विरी से जुनून की हद तक लगाव है। शाफिया ने मकामी और कौमी सतह पर फन मुसव्विरी के कई मुकाबलों में हिस्सा लिया है और कई खिताबात अपने नाम कराए। रांची में मुनाकिदा कौमी सतह के फन मुसव्विरी के मुकाबले में शाफिया ने अव्वल पोजीशन हासिल की है। रांची में था नेशनल्स, तो वहाँ पे हमारी फर्स्ट पोजीशन थी। उसके पहले नॉर्थ जोन हमारा क्लियर हो गया था, वहाँ पे हमारी सेकंड पोजीशन थी इंस्टॉलेशन में। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे अवार्ड्स रहे हैं। जो टाइम मैंने यूनिवर्सिटी में स्पेंड किया है मास्टर्स को लेके, तो जो भी इवेंट्स वगैरह होते थे मैं पार्टिसिपेट करती थी। सो हर एक इवेंट में जिसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया कोई ना कोई अवार्ड तो ले ही लिया मैंने वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में। सो इन यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी ज़्यादा मेरा एक्सप्लोर हो गया, मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाई, मुझे लगा कि मैं शायद आगे भी ले जा सकती हूँ, तो यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मिले। जदीद दौर में फन मुसव्विरी एक बुनियादी हैसियत रखती है। जदीद टेक्नोलॉजी दौर में भी फन मुसव्विरी को एक मुनफरिद मकाम हासिल है। इसीलिए आज भी स्कूलों और कॉलेजों में फन मुसव्विरी की तालीम फराहम की जा रही है और यहाँ से अजीम फनकार पैदा हो रहे हैं। शाफिया शफी के लिए फन मुसव्विरी में आगे बढ़ना आसान नहीं था। शाफिया का कहना है कि कामयाबी कभी कभी पूर आसाइश तौर पर हासिल नहीं होती, इसके लिए हर इंसान को जद्दोजहद करना पड़ती है। हम हमेशा देखते हैं कि सक्सेस स्टोरीज कभी मतलब कंफर्ट जोन से नहीं आती है, तो वो बात बहुत सच है और मेरी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा इस चीज़ को लेके।
पहले तो मतलब कश्मीर का जैसा ये हिसाब है, यहाँ पे बोलते पहले पढ़ने चाहिए, आर्ट को लेके क्या करेंगे। इनफैक्ट अभी भी मैं कुछ बच्चों को सिखाती हूँ तो उनके पेरेंट्स मुझे आते हैं कि इनको तो एजुकेशन में एक्सेल करना चाहिए, आर्ट को लेके आगे क्या फ्यूचर है, क्या करेंगे। तो अभी भी वैसा माइंडसेट है, और मेरे टाइम पे भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा मुझे इस चीज़ को लेके। लेकिन जब आपको एक वे मिलती है जिसमें आपको लगता है कि आप एक्सेल कर पाते हो, तो काफ़ी जो भी स्ट्रगल्स आपको लगती है वो बहुत छोटी लगती है। आर्ट का रुख बदलना एक फितरी अमल है, वक्त के साथ साथ तब्दीली आती है। इंसान तरक्की पसंद है और कुछ न कुछ करता है। आजकल का मशीनी दौर, कंप्यूटर का हर काम में दाखिल होना, डिजिटल उम्दा कैमरों का आना और बड़े से बड़े प्रिंट की सहूलत मयसर होना और वक्त की कमी का एहसास होना, ये सब मिलकर मुसव्विरी में तब्दीली ला रहे हैं। ताहम शाफिया जैसे फनकार असर हाजिर में भी इस फन को जिंदा रखने में मसरूफ अमल है और काफी तगदव कर रहे हैं। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में खेल कूद की सरगर्मियों को फरोग देने के मकसद के तहत खेल के बुनियादी ढांचे को वसत दी जा रही है। अनलॉक 1.0 के तहत मुल्क भर में दी गई नरमी के साथ ही जिले में खेल के बुनियादी ढांचे की तामीर दोबारा शुरू हुई। पेश है इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। अनलॉक 1 के तहत पाबंदियों में आई नरमी के साथ ही जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में खेल के बुनियादी ढांचे की तामीर का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। पुलवामा जिले के चेवा खुर्द गांव में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर की जा रही है, जिसे खेल के परिस्तारों ने खुश आइंद करार दिया। इससे एक तो खेल कूद को फरोग मिलेगा, दूसरी जानब इससे ये भी फायदा होगा कि जो नौजवान मुख्तलिफ अदवियात, नशीली अदवियात में मुबतला होते हैं, वो भी खेल की ओर रागिब हो जाएंगे। तो यकीनन इससे बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा और इलाके के बच्चों को भी टैलेंट, अपना हुनर दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से 60 लाख रुपए की लागत से ये स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया दोनों एजेंसियों को स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर करने में मदद फराहम कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बहुत तकदव गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे यहाँ ये स्टेडियम बन चुका है, तो 95% काम इस पर मुकम्मल हो चुका है। और इसमें हम जो आला हुकाम ने हमें मदद किया वक्तन फवक्तन इसको बनने में, तो उसका हम तशक्कुर है उन लोगों का, और साथ ही इस गांवों के लोगों का जिन्होंने ये ज़मीन उनको मुहैया की है। इतना लैंड जो 25-30 कनाल का है वो मुहैया किया गवर्नमेंट को। लॉकडाउन की वजह से इस स्टेडियम पर तामीरी काम रोक दिया गया था, ताहम नरमी के साथ ये काम दोबारा शुरू हो गया। हुकाम के मुताबिक जिले में नौजवान नस्ल को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ रागिब करने के लिए खेल के बुनियादी ढांचे को वसत दी जा रही है और स्टेडियम की तामीर इसकी एक कड़ी है। अब स्पोर्ट्स एक प्रोफेशनल बन गया है, तो ये तभी मुमकिन है जब ग्राउंड लेवल पे मतलब फील्ड होगा, फिजिबिलिटी होगी। तो इसलिए मतलब स्पोर्ट्स कौन सी इनिशिएटिव लेता है जो मतलब जो जहाँ जहाँ भी मतलब फील्ड होते हैं उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से बहुत सी जगहों पर मतलब काम जारी है, उनमें से चौवा खुर्द में भी मतलब काम शायद मतलब चल रहा था। हुकाम का कहना है कि इस स्टेडियम की तामीर रवां बरस में ही मुकम्मल की जाएगी और बाद अज़ां इसे खिलाड़ियों के नाम वक्फ किया जाएगा। कोविड-19 बहरान की वजह से रुके पड़े तामीराती कामों को दोबारा शुरू किया गया है, और इस ज़मन में सुबह जम्मू के पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में नए मेडिकल कॉलेज की तामीर का काम दोबारा हाथ में लिया गया है और ये शदोमत से जारी है। देखिए हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में हुकूमत हिंद की जानिब से मंजूर शुदा नए मेडिकल कॉलेज की तामीर की जा रही है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से इस नए मेडिकल कॉलेज की तामीर का काम रोक दिया गया था, ताहम लॉकडाउन में नरमी के साथ ही इस पर दोबारा काम शुरू हो गया है।
कोविड-19 तो आपको पता है अभी इसकी कोई वो चल रहा है, डे बाई डे बढ़ ही रहा है, तो उस चीज़ को कंसिडरेशन में रख के हमें बताया गया है कि इसको जितना वार फिटिंग पर जितना जल्द 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 ख़त्म किया जाए इस GMC को, ताकि ये उस जो भी हमारी कोई कमी पेशी है वो ये पूरी करेगा। हम कोशिश कर रहे हैं इसको, मतलब दिन रात काम करके जितना जल्दी हो सकेगा हम ख़त्म करेंगे ताकि हम इसको यूज़ में ला सकें। जिले में मुहाजिर मजदूरों की एक बड़ी तादाद रोजगार के लिए कयाम पजीर थी, ताहम लॉकडाउन की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। अब मेडिकल कॉलेज की तामीर का काम दोबारा शुरू होने से यहां आरजी तौर कयाम पजीर 300 से ज्यादा मजदूरों को दोबारा रोजगार फराहम हो रहा है। यहां 250-300 लेबर फैमिली बच्चे इतने आदमी इधर थे, बहुत परेशान हुए थे, बहुत परेशान, लेकिन खुशी मनाओ कंपनी क्या कि सरकार का काम शुरू करा दिया, नहीं सब भागने वाले थे। ये कोई यूपी से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई बिहार से। हुकाम का कहना है कि मेडिकल कॉलेज का तामीरी काम दोबारा शुरू कर दिया गया है और कोविड-19 के रहनुमा खतूत के तहत तामीरी काम को अंजाम दिया जा रहा है, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखा जा रहा है। वहाँ हमारे पास तकरीबन 400 लेबरर है जो काम कर रहा है, वो इन हाउस ही है और वो प्रॉपर जो है सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट ने हमें दिया उसके मुताबिक हम काम करवा रहे हैं, और वो 400 आदमी को साइड पर ही काम मिल गया। लेकिन इस लॉकडाउन से थोड़ा सा हमें जो ये प्रोजेक्ट जो इन टाइम हमें कम्प्लीट करना था वो डिले हो गया, तो इंशाल्लाह अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको दोबारा हम करेंगे, और जितने भी लेबरर है उसको बड़े अच्छे तरीके से ठेकेदार ने जो भी प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको उनको सैलरी भी दे रहा है, उनको राशन भी दे रहा है, उनको सैनिटाइजर वगैरह भी दे दिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए जो हमारा काम अच्छे तरीके से चल रहा है। पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में तैयार होने वाला नया मेडिकल कॉलेज बहुत अहमियत का हामिल है। इसकी तामीर से जिले में सेहत के ढांचे को वसत मिलेगी। आलमगीर वबा कोरोना वायरस से जहां जिंदगी का हर एक शोबा बुरी तरह से मुतासिर हुआ, वहीं तालीम के शोबे पर भी मनफी असरात मुरतब हुए। हुकूमती सतह पर जहां पढ़ाई के अमल को जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू की गई, वहीं निजी सतह पर मदरसीन सामने आ रहे हैं। मैनेजमेंट तुलबा के लिए एक जवां साला कश्मीरी खातून माहिर तालीम ने ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस शुरू किए। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरतेहाल मौशी और समाजी खतरा बनकर पूरी दुनिया को मुकम्मल तौर पर अपने शिकंजे में ले चुकी है। समाजी राबितों में कमी को यकीनी बनाने के लिए किए जाने वाले इकदामात लोगों के तहफ्फुज़ के लिए तो जरूरी हैं ही, मगर इससे मईशत मामलात जिंदगी के बाद सबसे ज्यादा तुलबा का तालीमी साल मुतासिर हो रहा है। ताहम ऑनलाइन क्लासेस से किसी हद तक इसकी भरपाई की जा रही है। कश्मीर में मैनेजमेंट तुलबा के लिए खातून माहिर तालीम ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को फायदा हो सकता है घर बैठे हुए, क्योंकि हमारे पास और जैसा कि पता ही अभी बाहर भी नहीं निकलना है, तो पूरा टाइम यू आर फ्री एट होम, सो यू कैन यूटिलाइज योर टाइम चेकिंग द वीडियोस एंड गोइंग जस्ट क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल, सो इट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल। कश्मीरी खातून माहिर तालीम का कहना है कि मैं और मेरे साथी गुज़श्ता कई हफ्तों से तुलबा को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन तदरीसी अमल तालीमी सफर को जारी रखने का एक तरीका है। तुलबा का कहना है कि ये बेहतरीन पहल है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसा कि आपको पता है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बेहतर नहीं है, इसमें बिजनेसमैन, सारे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज के, इसमें पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ो, ये दोनों के लिए बेनिफिट है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल मार्केटिंग का है, SWOT एनालिसिस है, हर एक चीज है, मतलब बिजनेस के बारे में, वो हर एक चीज के लिए, हर एक इंसान के लिए वो बेनिफिट। लॉकडाउन और कश्मीर की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तालीम का शोबा बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। ऐसे में कश्मीरी खातून माहिर तालीम की कोशिश को हर सतह पर सराहा जा रहा है। तालिबात का कहना है कि ऑनलाइन कोचिंग सहूलत तुलबा के लिए मददगार साबित होगी।
क्या होगा कि जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, बीट बीबीए स्टूडेंट्स, एमबीए स्टूडेंट, और वो मुझे बता सकते हैं कि वो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि कौन सा टॉपिक है जो उनको चाहिए, जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं. मैं अपना आई विल मेक माई फुल एफर्ट्स, मैं अपना 100% दूंगी, आई विल वर्क हार्ड, और मैं उनको फुल पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि मैं उनको समझा सकूं इस चीज़ के बारे में और उनको अच्छे से बिल्कुल ये चीज़ जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, उनके दिमाग में डाल दूँ ये चीज़ें. इस वक्त बनिनो इंसान को एक गैर मुद्दती और खतरनाक दुश्मन COVID-19 का सामना है. ऐसे में दर्स तदरीस का अमल जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस कोचिंग वक्त की अहम जरूरत है. धान की फसल की बवाई के लिए ज़िराअत के मैदान में मजदूरों की कमी को दूर करने के लिए मौजूदा लॉकडाउन की वजह से महकमे ज़िराअत ने जम्मू कश्मीर में पहली बार एक नई स्कीम डायरेक्ट सीड राइस DSR कल्चर मुतारफ कराई है. इस स्कीम की शुरुआत जिला कुटवा से हुई. मौजूदा लॉकडाउन की वजह से धान की फसल की बुआई के लिए ज़िराअत के मैदान में मजदूरी की कमी को दूर करने के लिए महकमा ज़िराअत ने सूबा जम्मू के जिला कठुआ में पहली बार एक नई स्कीम डायरेक्ट सीड राइस DSR कल्चर मुतारिफ कराई है. DSR का मतलब नर्सरी से बुआई लगाने की बजाय खेत में बुआए गए बीजों से धान की फसल को उगाना है. इस मशीन के साथ जो सीड रेट हमारा जा रहा है वो 6 किलो पर एकड़ जा रहा है. उसके साथ जमींदार अपना फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं, जैसे DAP है, पोटास है, वो भी इसके साथ डाल सकते हैं 10 किलो के, जो भी फार्मर कहता है उस चीज़ को. दूसरी चीज़ के जिस तरह से हम बिजाई इसमें करवा रहे हैं, ये एक रोनी करके, पहले इरिगेशन करके, फिर उसको ट्रैक्टर के द्वारा जुताई करके जब हम DSR को करवा रहे हैं, इससे फार्मर को एक बेनिफिट मिलेगा. एक तो जर्मिनेशन हमारी बहुत तेज़ी से आएगी. दूसरी चीज़, जो फार्मर पानी बार बार कद्दू करते हुए में लगाता है, 24 से 72 घंटे लगाता है, वो भी अपना सेविंग होगा. इस नए तरीके की वजह से कलील दौरानिये में आला पैदावार और मुख्तलिफ अकसाम की फसल की काश्तकारी को यकीनी बनाया जा सकता है. DSR की मदद से किसानों की हौसला अफजाई होगी, जबकि किसानों को रवायती निजाम से बदलने का मौका भी फराहम होगा. DSR कल्चर आपाशी के पानी की बचत भी करता है और इसमें सबसे कम बुआई लागत और अच्छी पैदावार शामिल है. ये जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अच्छा लग रहा है कि हमारे ऐसे मजदूरों की हमें बहुत दिक्कत थी, अच्छा लग रहा है कि ये हमारी फसल इससे बिना मजदूरों के तैयार हो जाएगी और हमें भविष्य में काफ़ी सारा फ़ायदा होगा इसका. महकमा ज़िराअत के आला हुकाम का कहना है कि महकमे ने लॉकडाउन में मजदूरी के बहरान के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार DSR टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराने की पहल की है और ये एक अच्छी कोशिश है. ये DSR टेक्नोलॉजी ऐसी है जिससे कि एक तो लेबर की जो कमी है वो खत्म हो जाएगी, दूसरा ये है कि पानी का जो है एक्सेस यूज है वो कम हो जाएगा, कम वाटर पे भी पैडी हम लगा पाएंगे, तीसरा ये है वीड कंट्रोल इसमें ईजी हो जाएगा, वीड कंट्रोल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जितना भी हमारी हम लेबर के लिए भागते हैं वो लेबर की कमी जो है इससे पूरी हो जाएगी. DSR कल्चर के जरिए किसानों की आमदनी को 2 गुना करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मिशन को भी पाई तकमील तक पहुंचाया जा सकता है. DSR कल्चर से रकम और वक्त दोनों की बचत हो सकती है. नाज़रीन, बदलता मंजर प्रोग्राम का वाहिद मकसद समाज और माशरे में तब्दीली लाना है. इस सिलसिले में हमारी कोशिशें तो जारी है, लेकिन हमारी ये कोशिशें तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप हमें अपना भरपूर ताउन नहीं देंगे. उम्मीद है कि आप हमें अपनी आरा से ज़रूर नवाजेंगे, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है. अपनी राय आप हमें बदलता मंजर कश्मीर @gmail.com पर ज़रूर भेजें. हमें आपकी राय का रहेगा इंतज़ार. फ़िलहाल रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और हमें रखिए अपनी दुआओं में शामिल. अगला शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे. जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.